सो टेबल 9.1 में है अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। ये अर्थ क्रस्ट का है एंड ये ह्यूमन बॉडी का है। सो अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करने की ट्रिक है आशिकाना मांगे हक्सन, ये हो जाएगा अर्थ क्रस्ट के लिए। ओसिकाना मांगे हक्सन, ओसिकाना मांगे हक्सन। सो ये हो जाएगा अर्थ क्रस्ट के लिए। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, उसके बाद सिलिकन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन एंड सल्फर, उसके बाद नाइट्रोजन। सो ये हो गया अर्थ क्रस्ट के लिए। ह्यूमन बॉडी के लिए है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, उसके बाद सोडियम, देन मैग्नीशियम एंड देन सिलिकन। सो इसको याद करने की ट्रिक है ओकन कार हंसना मांगे सीट, ओकन कार हंसना मांगे सीट, ओकन कार हंसना मांगे सीट। सो इससे आप लोगों को अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी डिसेंडिंग ऑर्डर में याद हो जाएगा और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, जिससे कभी नहीं भूलेंगे।